हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यंजन द कुकरी क्लासेस चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल इंस्टेंट गाजर का हलवा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स: मिल्क, शुगर, कैरेट्स को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, ये देसी घी, ग्रीन कार्डमम पाउडर, ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए और ये मावा। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, ये देखिए फ्लेम को सिम कर दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर कैरेट्स डालेंगे, शुगर डालेंगे और ये हम इसके अंदर मिल्क डाल देंगे और हम इसमें एक स्टीम लगा लेंगे। इसे हम अच्छे से सेटल कर लेंगे। ये हमारा इंस्टेंट गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। सिर्फ हम एक विसल लगाएंगे इसमें, ये लगभग 5 मिनट्स लगते हैं इसमें। ये हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसका ढक्कन लगा के कुकर को और एक विसल आने तक वेट करेंगे। अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और प्रेशर निकलने तक हम वेट करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दी है, इसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब हम इसके अंदर देसी घी डाल देंगे इसके मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो हमने गाजर को स्टीम किया था वो डाल देंगे। हम इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मेज़रमेंट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे लगभग बनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं इस हलवे को। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये इंस्टेंट गाजर का हलवा है। अगर हम ऐसे बनाएंगे जनरली दूध के अंदर कैरेट्स को पका के तो उसे आधा से पौना घंटा लगता है, लेकिन ये हलवा हमारा 10 मिनट्स के अंदर ही रेडी हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है कैरेट्स का। देखिए गाजर का जूस लगभग सूखने लगा है और इसे हम अच्छे से स्टर करते रहेंगे। जब ये थोड़ा सूख जाएगा फिर हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे। देखिए गाजर में जो चीनी का पानी था वो सूखने लगा है। मैं आपको जो जनरली हलवा बनता है उसके बारे में भी बता दूं। जैसे हम गाजर को कद्दूकस करते हैं, उसे हम कढ़ाई में दूध के अकॉर्डिंग पकाते हैं, उसमें दूध डालते जाते हैं, वो पकता रहता है। गाजर गलने तक हम वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें शुगर ऐड करते हैं। अगर हमारी इच्छा हो तो हम मावा भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता दूध वाले हलवे में मावा हम ऐड करें। अब देखिए गाजर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर मावा मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। देखिए अच्छे से इसे स्टर कर लेंगे हम। इसमें घी की, मावे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये इतने जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। देखिए ये लगभग काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। देखिए अब ये इसमें जूस भी बहुत कम रह गया है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। मैं छोटी इलायची को माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए गर्म करके ठंडा करके पीस के रख लेती हूँ और ये मैं छिलके सहित पीसती हूँ जिससे इसका अरोमा और बढ़ जाता है। बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और स्टर करेंगे। देखिए हमारे हलवे की जब बन जाता है तो ये पहचान है। देखिए सेंटर में कोई जूस नहीं आ रहा है, ये बनकर तैयार है और अच्छे से शाइन भी करने लगा है। इसकी लुक बिल्कुल मार्केट की तरह से आ गई है। बनकर तैयार है हमारा गाजर का हलवा। अब आप भी बनाइएगा और मुझे बताइए कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।